परीक्षित ने एक प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, भगवान को सभी समदर्शी बताते हैं पर भगवान समदर्शी दिखाई नहीं पड़ते, सरेआम भगवान देवताओं का साथ देते हैं, दुष्टों को मारते रहते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, तो भगवान फिर समदर्शी कहां रहे? और भगवान स्वयं स्वीकार भी कर रहे हैं, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे। भगवान कहते मुझको सब समदर्शी कहते हैं, पर सच्चाई ये है कि सेवक प्रिय, मुझे अपना सेवक बहुत प्यारा लगता है, और सेवकों में भी अनन्य गति, जो मेरे अलावा अन्य किसी को जानता ही नहीं, जैसे माँ का नन्ना सा बच्चा, वो माँ के अलावा कुछ नहीं जानता, तो माँ का फिर ध्यान भी पूरा पर पूरा उसी बच्चे पर सदा बना रहता है, ऐसी मेरे जो अनन्य सेवक हैं, अनन्य भक्त हैं, मैं तो निरंतर उन्हीं का ध्यान करता हूं। भगवान का स्वभाव है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे भजता है भगवान उसको वैसी भजते हैं। यदि भगवान दैत्य जाति के दुश्मन होते तो बोलो प्रहलाद जी कौन थे? दैत्य वंश में ही तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ था, और जितना प्रभु का प्रेम प्रहलाद ने पाया वो आज तक किसी देवता को नहीं मिल पाया। कैसे? तब विस्तार से प्रहलाद जी का चरित्र गाया कि जिस समय भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया, तब से ही हिरण्यकश्यपु भगवान का दुश्मन बन गया। घोर तपस्या करी मंदराचल पर्वत पर, पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी आकर के बोले ब्रह्म रुयात, तो प्रणाम करके बोला महाराज मुझे तो अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अजर अमर तो हम भी नहीं बन पाए, तुम्हें कहां से बना दे भाई, इसके अतिरिक्त आप जो चाहे मांग सकते हैं। बोले महाराज तो एक दो वरदानों से मेरा काम नहीं चलने का, जितना चाहे उतना मांग लो, अनेक वरदान मांग, न भीतर मरू न बाहर न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरू, 12 महीने से किसी महीने में न मरू। ब्रह्मा जी बोले भाई तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, और तेरे जैसा तप भी पहली बार किसी ने किया, इसलिए जा मैंने तुझे सारे वरदान दिए। अब प्रसन्न हो गया, दिग्विजय करने के लिए निकला और सारे देवताओं को बंदी बना के ले आया। इंद्र से झाड़ू पोंछा लगवाया, वरुण से पानी भरवाया, सब देवता रोने लगे प्रभु कब मरेगा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्र थे, ह्राद अनुह्राद संह्राद प्रहलाद। प्रहलाद जी को बचपन से ही एक ग्रह लग गया, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदी दृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रस लिया, हमेशा उन्हीं के प्रेम में रोते रहते थे, कभी हंसने लगते थे कभी नाचने लगते थे, ऐसी प्रकृति थी प्रहलाद जी की बाल्यावस्था से। पढ़ने के लिए इनको संडामर्क जी महाराज के पास दैत्यों के गुरुकुल में भेजा गया। संडामर्क जी वही दैत्य नीति इनको सिखाने लगे। एक दिन अचानक पुत्र को स्मरण बहुत हुआ, तो मिलने के लिए हिरण्यकश्यप आ गए। प्रणाम किया प्रहलाद ने तो तुरंत गोद में उठा के पूछ दिया बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा,
तो कोई बढ़िया सा एक पाठ हमको भी सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी बढ़िया वाला पाठ तो मैंने एक ही सीखा है। कौन सा? तत साधु मन ने सुर वरिय देहिना, तत साधु मन ने सुर वरिय देहिना, सदा समुद बेगन धिया मसन त्रिभा, सदा समुद बेगन धिया मसन त्रिभा, पातन गृह मंद को बनम गतो हरि माश्रयेता, बनम गतो हरि माश्रयेता, यद हरि माश्रयेता, यद हरि माश्रयेता। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताश्री तत साधु मन्ने, मैंने अपने जीवन में जो सबसे बढ़िया बात मानी है वो एक ही बात है, बनम गतो यत हरि माश्रयेत, नितांत एकांत वन में जाके हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण कर ले। ये जीवन का सार है। चाहे संसार से पिटके समझ में आवे या सीधे सीधे संतों के समझाने से समझ में आ जाए, पर आज नहीं तो कल एक ना एक दिन ये बात समझ में सबको आ ही जाती है। देर सवेर कभी भी आवे। गौकर्ण जी को जन्म से ही ये बात समझ में आ गई, आत्मदेव को बेटे की पिटाई खा करके आई, परंतु ये बात देर सवेर समझ में सबको आने लगती है। इसलिए बनम गतो यद हरिमाश्रय, सुन करके हिरण्यकश्यप का तो बहुत मूड खराब हो गया। अच्छा बेटा तुम जाओ और जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। गुरुजी भाग करके आए, अरे महाराज पधारिए, अहो भाग्य हमारे। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये सब छोड़िए और ये बोलिए कि मेरे बेटे को तुम पढ़ा क्या रहे हो। सरकार वही पढ़ा रहे हैं जो आप बता रहे हो, आपका हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार की आज्ञा से चल रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा, झूठ बोलते हो, मेरा बेटा अभी अभी मुझसे कह रहा था कि वन में जाके हरि का भजन करो, यही विद्या का सार है। यही बकवास सिखाते हो तुम अपने विद्यालय में, सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है, सारे कोर्स बदल डाले। ये शिक्षा नीति कब से आ गई? गुरुजी थर थर कांपते हैं। महाराज नाराज मत होइए, आप जिसकी चाहे सौगंध हम खा सकते हैं, परंतु ये जो बोल रहा है ये हमने इसको कभी नहीं पढ़ाया, ये किसी और ने पढ़ाया होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे पर तुम्हारे पास भेजा है, तुम पढ़ाओ या दूसरा कोई पढ़ाए, यदि इसने बकवास दोबारा करी मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। धमकी दे के चला गया। गुरुजी ने डंडा उठाया, प्रहलाद जी के पास आकर के बोले, क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के बगीचे चंदन जैसे बगिया में तू बमूर जैसा वृक्ष कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातोयम कंटक ध्रुव, दैत्यों के चंदन वन में कंटक ध्रुव माने कांटे का पौधा, तू कहां से आ गया? एक बात याद रखना प्रहलाद, एक कुल्हाड़ी सारे जंगल को काट सकती है, किंतु कब? जब जंगल की ही लकड़ी उसका साथ देती है। जंगल की किसी लकड़ी का साथ कुल्हाड़ी को न मिले तो कुल्हाड़ी कुछ न कर सके। इसलिए ये जो नारायण है ना, कुल्हाड़ी बन के तुम्हारे दैत्य वंश को काटने बैठा है और तू उसी का भजन करता है मूर्ख। प्रहलाद जी को बहुत गुरुजी ने समझाया, पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, कृष्ण रंग में रंगे प्रहलाद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समय आया, विद्यालय में अवकाश हुआ, छुट्टियों में गुरुजी प्रहलाद को घर छोड़ने आए तो माँ को प्रणाम करके पिताजी के पास पहुंचे, और जो पिता को प्रणाम किया हिरण्यकश्यप ने तुरंत गोद में उठा लिया, छाती से चिपका लिया, बेटा प्रहलाद
अब बताओ तुमने बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद किया। गुरु जी की धड़कन तेज हो गई, आज भगवान जाने कौन सा पाठ सुनाएगा। और प्रहलाद जी गुरु जी को देख के मुस्कुराए, गुरु जी देखो पिताजी बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया नहीं सुनाऊंगा, मैं भी बढ़िया ही बताऊंगा। पिताजी मैंने 9 पाठ बढ़िया बढ़िया याद कर लिए। अरे वाह बेटा, कौन कौन से पाठ याद किए सुनाओ जरा। प्रहलाद जी ने सुना दी नबदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का व्याख्यान विस्तार पूर्वक दिया, अब तो पागल हो गया हिरण्यकश्यप, उठा के प्रहलाद जी को नीचे फेंक दिया, तलवार निकाल के गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। अरे दुष्ट ब्राह्मणों, अब तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। प्रहलाद ने पहले एक बात बताई थी, आज 9 पाठ सुना दिए, और मैं तुम्हें सावधान करके आया था, इसलिए अब तुम बचोगे नहीं। आओ गुरुजी थर थर कांप पे, महाराज हमसे तो गंगा जल उठवा लो, चाहे जिसकी शपथ ले लो। हम दावे के साथ कह रहे हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, तुम्हारे इस राजकुमार को न तो हमने कभी यह पाठ पढ़ाया। हिरण्यकश्यप ने कहा तो दूसरा कोई पढ़ा गया होगा, तुमने ध्यान नहीं दिया। बोले नहीं, न पर प्रणीतम, किसी दूसरे ने भी नहीं पढ़ाया। अरे तो फिर ये कहां से पढ़ गया। नहीं सर्ग की यम मति रस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास मम। नैसर्गिक जन्मजात विधाता ने इसकी बुद्धि ही ऐसी बनाई है, तो बोलो सरकार हम क्या कर सकते हैं। ये पढ़ा पढ़ाया ही आया है, इसको कोई नहीं पढ़ाता। अच्छा, हिरण्यकश्यप गंभीर हो गया, प्रहलाद से कहा, प्रहलाद अब तू ही मुझे सच्ची सच्ची बात बता, ये सब बातें तुम्हें कौन सिखाता है। प्रहलाद जी मुस्कुराए, सो जा नहीं जही दे हो जनाई, सो जा नहीं दे हो जनाई, जानत तुम ही हो जा, जानत तुम ही हो जा, मुखम करो कि वाचालम पंगुम लंघयते, कृपातम हम वंदे परमानंद माधव, सो जा नहीं जहि दे हो जनाई, जहि दे हो जनाई। पिताश्री, प्रभु की कृपा जिस पर होती है वो बिना पढ़े ही सब पढ़ जाता है। अब तो हिरण्यकश्यप भयंकर क्रोधित हो गया, ले जाओ इस दुष्ट को मेरी आंखों के सामने से और तत्काल मृत्यु मुख में डाल दो, क्योंकि मैं जान चुका हूं इसमें बड़ा भयंकर भगवत भक्ति का रोग लग गया है, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं ये कृष्ण भक्ति जो है ये बड़ा संक्रामक रोग है, स्वाइन फ्लू की तरह फैलने वाली है, कोरोना की तरह छूत की बीमारी है, एक दूसरे से तुरंत फैलती है। तो अभी तो ये अकेला कृष्ण भक्त है, कहीं इसके रंग में और लोग रोगी ना बन जाएं। रोगी के फैलने का डर हो तो रोगी को ही ठिकाने लगा दो, कम से कम एक ही तो जाएगा, जीवित रहेगा तो औरों को भी ले मरेगा, इसलिए इसको तुरंत मृत्यु मुख में डाल दो, आदेश दिया हिरण्यकश्यप। तुरंत पकड़ के प्रहलाद जी को उठा करके ले गए दैत्य मारने के लिए, सारे प्रयास किए मारने के, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, हाथी के पैर से कुचलवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन सब तांत्रिक प्रयोग किए गए और कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, तो मन में घबराया। तब आकर के संडामर्ग जी ने पुनः समझाया कि राजन ये तुम्हारा ही बच्चा है, अभी बाल बुद्धि है, धीरे धीरे सब बदल जाएगा, आप हमें अवसर तो दीजिए। अच्छा तो ले जाइए, गुरु जी फिर वापिस ले आए, अनेक प्रतिबंध प्रहलाद पर लगाए,
एक दिन गुरुजी चले गए बाजार। अवसर मिला तो सारे विद्यार्थी निकल पड़े खेलने को। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए, सुनो सुनो आज नया खेल सिखाऊं। पहुंच गए सब। कौन सा नया खेल भाई? प्रहलाद जी बोले चलो आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। विद्यार्थी बोले ये तो बहुत पुराना है। अच्छा तो बताओ ये खेल किसने प्रारंभ किया, कहां से प्रारंभ हुआ? विद्यार्थी बोले ये सब हमको नहीं मालूम पर खेल पुराना है। तुम बताओ प्रहलाद तुम्हें पता है? बोले हाँ। बताओ कहां से प्रारंभ हुआ? प्रहलाद जी बोले सृष्टि के आदि में यही खेल, इसी खेल से सृष्टि का शुभारंभ हुआ। दो मित्र हैं जीवात्मा और परमात्मा, दोनों आपस में बोले चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। ठीक है तो पहले कौन छुपेगा? आंख मिचौनी में यही होता है, पहले हम छुपेंगे फिर तुम छुपना। सारे जीवात्मा बोले हम छुपेंगे प्रभु आप हमको ढूंढिए। बोले तो जाओ छुप जाओ। तो महाप्रलय काल में अनंत अनंत जितने जीव हैं सब प्रलय के जल में भगवान के उदर में प्रविष्ट हो गए। सब जल ही जल हो गया। भगवान बोले सब छुप गए, किंतु भगवान ने जहां संकल्प लिया सृष्टि के सृजन का, तो जितने जीव प्रलय के जल में विलुप्त थे उन सबको पुनः प्रकट करके पूर्व कर्मानुसार भगवान ने ज्यों का त्यों फिर संसार में सबको जन्म दे दिया। भगवान बोले तुम इतने थे हमने सबको ढूंढ निकाला। ये तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर का चमत्कार है। भगवान बोले हमने सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमें ढूंढ के बता दो। और जिस दिन जो जीव उस जगत में छिपे जगन्नाथ को जान लेगा उसी दिन उस जीव का भी खेल खत्म हो जाएगा और आना जाने का जो चक्कर है, जन्म मरण का जो खेल है, हमेशा से इस खेल से मुक्त होकर के वो विजयी हो जाएगा। इसलिए मित्रों उस परमात्मा ने हमको ढूंढ निकाला, अब हमें उन्हें ढूंढना है। वेद भगवान भी यही कह रहे हैं, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। तम एव विदित्वा मृत्युमेति न अन्यम पन्था विद्यते। मृत्यु की पीड़ा से बचने के लिए उस परमात्मा को जान लो, क्योंकि उसको जाने बिना जन्म मरण की मृत्यु की व्याधि से कोई बच ही नहीं सकता, दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं। न अन्यम पंथा विद्यते। इसलिए मित्रों पैदा होती जहां हो संभालो, बस उसी जगदीश को जानने में जुट जाओ। परंतु प्राय लोग कहते हैं अभी तो हमारी मौज मस्ती की उम्र है, खाओ पियो मौज करो खेलो कूदो, अच्छा बुढ़े हो जाएंगे तो राम राम हम भी जपने लग जाएंगे, ये कोई उम्र राम राम जपने की है? तो मित्रों 100 वर्ष की उम्र भी हो तो भजन का स्वतंत्र कोई समय नहीं होता। 100 साल की उम्र में 50 साल तो सोने में गए, रात में सब सोते ही हैं, आधी उम्र सोने में चली गई, 50 बचे सो 20 वर्ष इस अनाड़ीपने में चले गए, खाओ पियो मौज मस्ती में चले गए, बुद्धि का ठीक से विकास ही नहीं हो पाया था तब तक, सो 20 वर्ष अनाड़ीपने में चले गए। अब 80 के बाद के जो 20 वर्ष हैं उनको पहले से निकाल दो हिसाब से, क्योंकि 80 के बाद पहुंच पाओगे पहले तो यही मुश्किल है, और पहुंच भी गए तो कुछ कर नहीं पाओगे, पूरा पुरुषार्थ शरीर को संभालने में ही लगा रहेगा। 80 के बाद इतनी शरीर में व्याधियां आ जाती हैं, इतनी समस्याएं आ जाती हैं कि उसी समस्याओं से जूझने में पूरा समय बीत जाएगा, भजन कहां कर पाओगे भाई। तो 20 साल वो बुढ़ापे के गए, अब बचे जवानी के 10 साल, तो जहां विवाह हुआ नहीं तो नौनते लकड़ी से ही भागा दौड़ी में फुर्सत नहीं मिलेगी। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरास्य मंत्रान। प्रहलाद जी कहते हैं प्रतिदिन प्रिया जी के प्रवचन सुनने को मिलेंगे कि घी खत्म हो गया है, बहुत महंगा है, अब कैसे भी करके लाओ, पैसा नहीं है, एक राशन पूरा खाली। रुचिराश्य मंत्रान, वे ही मंत्र कान में रोज पढ़ेंगे और उन्हीं की मंत्रों की सिद्धि में तुम पूरा पुरुषार्थ लगाते रहोगे, जवानी में कहां फुर्सत होगी भजन करने की।
इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से।